अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो समर्स बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पसंद होता क्योंकि उसमें बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी स्किन के इश्यूज को फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकम्बर के कुछ बेनिफिट्स और कोकम्बर हैक्स, जो हमारी स्किन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमें हाइड्रेटेड रखते हैं और कूलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट भी देते हैं। जैसे कि मैं अपनी पहली स्किन रिलेटेड वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ स्किन पे कुछ लगाने से ग्लो नहीं आता, खाने पीने से भी आपकी स्किन में ग्लो एंड फ्रेशनेस आती है। सो कोकम्बर का इनटेक हमारी स्किन के टेक्सचर, टोन और ओवरऑल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है और इसमें मौजूद नेचुरल नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन की हेल्थ को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद अब टाइम जाया नहीं करते और चलते हैं अपने कोकम्बर हैक्स की तरफ। सबसे पहले जो आप लोगों को कोकम्बर हैक्स के लिए चीजें चाहिए होंगी, उसमें नंबर वन है कोकम्बर जूस एंड कोकम्बर जेल। तो मैंने 2 कोकम्बर्स लिए हैं, इनको पील ऑफ करके कट कर लिया है और इनको ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद आप लोग इसका जूस अच्छे से छान लिएगा ताकि आपके पास बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कोकम्बर जूस आ जाए। आइस क्यूब्स बनाने के लिए आप लोगों को 1/2 बाउल चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जो मैंने फ्रेश लिया है, और 1 बाउल चाहिए होगा कोकम्बर जूस, जो मैंने अभी एक्स्ट्रा किया है। आप इन दोनों को मिक्स कर लिएगा अच्छे से। उसके बाद आपने क्यूब ट्रे में डाल के इसको फ्रीज कर लेना है। डेली दिन में 1 से 2 दफा आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी स्किन के ओपन पोर्स बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे और इससे आपकी स्किन में ग्लो एंड फ्रेशनेस भी आएगी। कोकम्बर टोनर बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, रोज वाटर और कोकम्बर जेल। यहाँ मैंने कोकम्बर जेल लिया है, कोकम्बर जूस नहीं लिया, क्योंकि हम अगर नेचुरल कोकम्बर जूस लेंगे तो उसका कलर बहुत जल्दी डार्क होने लगेगा। सो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे कोकम्बर जेल लेना है। रोज वाटर में मैंने 2 टेबल स्पून कोकम्बर जेल के ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप दिन में इसको 4 से 5 दफा भी अप्लाई कर सकते हैं मुंह धोने के बाद। कोकम्बर टोनर आपकी स्किन से डर्ट, ऑयल एंड डलनेस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। कोकम्बर मास्क बनाने के लिए जो हमें इंग्रीडियंट्स चाहिए, उसमें नंबर 1 है राइस पाउडर, मुल्तानी मिट्टी एंड कोकम्बर जूस। 2 टेबल स्पून राइस पाउडर में आपने 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी को ऐड करना है और उसके बाद आपने कोकम्बर जूस को ऐड करना है। इतना ऐड कीजिएगा कि आपका पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बन जाए ताकि आप उसको इजीली अप्लाई कर सके अपने फेस पे। ये मास्क आपको ना सिर्फ इंस्टेंट ग्लो देगा बल्कि अगर आपके फेस पे भी सन टैन या सन बर्न के कोई निशान है तो ये मास्क उसको भी खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी स्किन से रेडनेस, पफिनेस को भी रिमूव करेगा और आपको सूथिंग एंड कूलिंग इफेक्ट भी देगा। आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्टरनेट डेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 15 मिनट्स अप्लाई करने के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब हम बात करते हैं सन टैन या सन बर्न की। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में सन ब्लॉक यूज नहीं करते तो यकीनन आपकी स्किन पे भी कहीं ना कहीं सन बर्न के निशान जरूर होंगे। सो इसके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है, आपने 1/2 बाउल कोकम्बर जूस लेना है, बेकिंग सोडा लेना है और लेना है लेमन जूस। आप लोगों ने कोकम्बर जूस में 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा का ऐड करना है और 1 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने 1 पोटैटो स्लाइस लिया है, इसको मैं डिप कर दूंगी कोकम्बर जूस के अंदर। 10 से 15 मिनट्स के बाद आप इस पोटैटो स्लाइस को निकाल के अपने सन बर्न पे अप्लाई करें। 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद आप फील करेंगे कि आपका सन बर्न बिल्कुल ठीक हो गया है और उसका कोई भी निशान बाकी नहीं रहेगा। सो गाइस, ये थे कोकम्बर के कुछ हैक्स जो इस हॉट वेदर में हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में और कूल रखने में हेल्प करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।